इस वक्त हम डेरी ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 7 के अंदर में है। आचार संहिता लग चुकी है और नेताओं के अंदर में इसी बात का जोर है कि इस बार चुनाव जीतेंगे और गांव के अंदर में विकास करवाएंगे। लेकिन बीते 5 सालों की अगर बात करेंगे इस गांव के अंदर में तो कितना विकास हुआ है इस गांव के अंदर में, इसी बात को लेकर हमारे 7 के अंदर में कुछ गाँव के जो बुजुर्ग लोग हैं, युवा लोग हैं, कुछ तमाम पढ़ने वाले भी लोग हैं, उन्हीं से हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस बार वोट करेंगे तो नेताओं को क्या कहेंगे, क्या मांग रखेंगे। यूँ काका जी, आपका क्या नाम है? आपका क्या समस्या है गांव के अंदर में, ये बताओ मेरे को। क्या समस्या आज की तारीख में? सबसे पहले तो ये कि ये नहीं कि अभी तो वर्तमान में पानी मिल रहा है यहाँ पर जैसे ही गर्मी आएगी तो यहाँ पर पीने के लिए पानी, जो आज तक ये पाइपलाइन का पानी शुरू नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी तो खेती के लिए ये बंजर जमीन दिख रही है, यहाँ पर खेती के लिए पानी भी जरूरत है। और सबसे पहले तो ये मतलब यहाँ पर पानी, जैसे पास में माहे का पड़ा है तो जैसे यहाँ का पानी गुजरात तक जा रहा है तो ये पानी यहाँ की पब्लिक को क्यों नहीं मिल रहा है? क्या नेता राजनीति कर रहे हैं इसमें? सर यही हम तो देख रहे हैं कि राजनीति के कारण ही नहीं हो रहा है, क्योंकि राजनेता ही ऐसा कर रहे हैं तभी नहीं मिल रहा है। तो इस बार नेता तो फिर आएंगे आपसे वोट मांगने, फिर वादे करेंगे, तो कैसे क्या बोलेंगे उनको किस बार? उनसे सब यही मांग करेंगे हम तो, सबसे पहले पीने का पानी, उसके बाद में खेती के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए। अच्छा, और क्या समस्या है इस गाँव के अंदर में? इसके बारे में तो और भी है, तो अभी जैसे 10वीं तक स्कूल है हमारे यहाँ गांव में, बाकी 12वीं तक अभी तक हुआ नहीं है, तो ये स्कूल भी 12वीं तक भी हो जाता तो बढ़िया है। और उसके बाद में ये जैसे नापला, डेरी, नादिया, ये 2-3 पंचायत है, इसमें कहीं एक आवश्य विद्यालय हो तो यहाँ के बच्चों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। काका क्या नाम है आपका? मेरा नाम किसपुराम। कौन से वार्ड से आप? 2 नंबर से। क्या समस्या है इस गाँव के अंदर? हमारे तो समस्या तो है बहुत सारी, पानी की है और बेरोजगार, काम भी नहीं मिल रहा है हमारे को। ये 5 साल हो गया, पहले मिला था थोड़ा बहुत, अभी तो कुछ भी नहीं मिला। पर नेता तो कहते हैं हम तो गांव के अंदर बहुत रोजगार देते हैं। कहाँ देते हैं? नहीं है रोजगार? नहीं, कहाँ जाते हैं रोजगार के लिए? नहीं नहीं, बाहर जाते हैं, कोई गुजरात जाता है, कोई बाहर चले जाते हैं। तो इस बार नेता आएंगे, पैसे दे देंगे, वोट दे दोगे आप? नहीं, अभी तो वादा कर रहे हैं, क्या पता कि अभी तो कह रहे हैं कि हम बेरोजगार देंगे और तुम्हारे को व्यवस्था करेंगे पानी की, पीने का, और ये बेरोजगार भी देंगे तुम्हारे को। अच्छा, कुछ और भी मेरे साथ के अंदर में लोग हैं। काका जी क्या नाम है आपका? देवा नाम है। गांव के अंदर में क्या समस्या है? गांव में समस्या ये पानी की समस्या ज़्यादा है। इसके अलावा ये खेती का कब पानी नहीं मिल रहा है, पीने का पानी भी अभी तो मिल रहा है, गर्मी के टाइम में नहीं मिलता। रोजगार, चिकित्सा वगैरह की सुविधा है? डॉक्टर वगैरह आते हैं गाँव के अंदर में? पशु वाला डॉक्टर नहीं है गाँव में हमारे। पशु डॉक्टर की मांग है गांव के अंदर में? जरूरत है? जरूरत है नहीं, है नहीं। कितने गांव की आबादी है इस गांव के अंदर में? कितने लोगों की आबादी? आबादी हमारे को अभी पूरे डेरी का 20 में हमारे है नहीं, डॉक्टर ही नहीं। अच्छा, अभी कुछ थोड़ी देर पहले ये चर्चा सुनने मिली थी गांव के अंदर में लोग इस बार नेता है वो वोट देने के लिए साल बांट रहे हैं, क्या ये नेताओं का जायज है? नहीं, जायज कहाँ से वोट? क्या होना चाहिए गांव के अंदर में? विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए, विकास अहम मुद्दा है। और क्या समस्या है इस गांव के अंदर में? समस्या ये ज्यादा तो ये मजदूरी भी नहीं मिल रही है यहाँ, बेरोजगार, काम नहीं चल रहा है यहाँ। ये एक काम मजदूरी चलने चाहिए, रोजगार, इसके बाद में पानी की सेवा चाहिए, इसके बाद में पशु के डॉक्टर भी नहीं हो, ये होते बड़ी बड़ी काम चलता रहता पूरा ये। पर 70 साल हो चुकी है, नेता तो वादे करते हैं, वादे करके चले जाते हैं, काम हो नहीं रहे। आप अभी भी कह रहे हैं कि गाँव के अंदर में काम नहीं हो, तो इस बार वोट देंगे नेता को क्या कहेंगे? ये मांग रखेंगे नेताओं के सामने। हाँ। चलो, ये थे मेरे साथ के अंदर में तमाम लोग, कुछ और भी हमारे साथ में लोग हैं। काका जी आपका क्या नाम है? आपका नाकुराम। नाकुराम जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? 50 साल हो गई। कितनी बार आपने वोट कर चुका अब तक राजनीतिक पार्टियों को? जब से चालू है वोट, जब से दे रहे हम। नेता अपने वादे पे खरा उतरते हैं? कहाँ उतरते हैं, लेके जाते हैं और फिर पीछे दिखते ही नहीं, मतलब आते ही नहीं है। इस बार फिर आएंगे वोट लेने के लिए? फिर आएंगे, फिर कहेंगे दो, हमारा हाथ जोड़े कहेंगे वोट दो हमको, हम ये कर देंगे, वो पानी का पीने के देंगे, तो हैंड पम्प देंगे, तुम्हारा कुछ भी करेंगे। बाकी कह के जाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं, आप कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता, खाली कह के जाता है। अब की बार नई पंचायत बनी है, सरकार द्वारा बजट आएगा, तो किस प्रकार का नेता चुनेंगे गाँव के अंदर में? हमारे जैसे हमारा मंच है जैसे नेता चुनेंगे हम। विकास तो होना चाहिए, होना चाहिए, ऐसे ही चुनेंगे। ये थे मेरे साथ के अंदर में तमाम गांव के लोग, उनका कहना कि गांव के अंदर में नई पंचायत बनी है, लेकिन गांव के अंदर में आज तक 70 सालों के अंदर में नेता इतनी बार आए, जितनी बार ही वादे किए, लेकिन धरातल पर अगर काम की बात करें तो इस गांव के अंदर में आज भी मूलभूत सेवाओं से काफी दूर है। लेकिन इस बार अगर वो वोट करेंगे तो नेताओं के सामने ये मुर्याद पूरी जरूर रखेंगे कि गांव के अंदर में अगर आप विकास करवाएंगे तो ही आपको वोट देंगे। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ किशन सेन, न्यूज 24, बांसवाड़ा।